किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके, किस्मत हेलो हेलो साढ़े बारह बज रहे हैं यार, मोबाइल में लगेगा तो वहीं रहेगा, मोबाइल को पॉकेट में रखो, फेसबुक देखोगे तो फेस नहीं बनेगा, कीर्तन करोगे तो फेस बना देगा। अरे आप लोग देखो, कोई बगल वाला बात करे ना उसको बोले भाई हेलो, नो रिलेशन बाबा से, बाहर मिलेंगे, बोले जाएगा तुम रह जाओगे। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके, बोलो बोलो, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आ, जीने लगे हैं हम भी जीने, दुनिया में सर उठा के जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में सर उठा के, किस्मत संवर गई है तेरी शरण। मैं छोटी मोटी सप्लाई करता था टाटा नगर, 16 साल की उम्र थी उस समय, अवस्था थी 86-87, और उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि चलान किताब छपवा लूं। जिस फैक्ट्री में, रिश्तेदार की फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में 10 पैकेट स्क्रू भेजना है वो भी भेजता था सादे कागज में कार्बन लगाकर बिना चलान के। उस समय एक बार बॉस ने वहां से इलेक्ट्रिकल का कोई सामान, केबल वगैरह की रिक्वायरमेंट भेजी, और मैंने एग्जैक्ट वही केबल भेजा। लेकिन कहते हैं ना, फैक्ट्रियों के अंदर में जो स्टोर के अंदर में लोग होते हैं, अगर उनको नहीं खिलाओ तो आपका काम नहीं होगा, और चूंकि रिश्तेदार के यहाँ काम था इसलिए मैंने उनको कुछ दिया नहीं था, मेरा ओरिजिनल माल भेजा हुआ उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। जब मैं वहां गया टाटा नगर, तो बॉस ने बोला, उन्होंने उस बॉस के कान में, जो स्टाफ था, कान में सिखाई पढ़ाई कर दी कि इसका ये जो माल आया है गलत है, इन्होंने गलत सप्लाई करी है। मैंने रिक्वेस्ट करी तो बॉस ने एक बात बोली जो कि मेरा रिश्तेदार लगता था, शाम सामने झूठ नहीं कहता, कि तुम छोटे लोगों की औकात यही है, उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ का पोछिया पकड़ने लग जाते हो। ये बोलकर वो चला गया। मेरी शाम को ट्रेन थी, मैं उसकी ऑफिस के कोने में जाकर खूब रोया कि बाबा बिना गुनाह के आज मेरे स्वाभिमान को चोट लगी है, बिना गुनाह के। और वो दिन का दिन है, उस दिन के बाद बाबा ने बोला तुझे चिंता करने की दरकार नहीं है, आज उनके यहाँ कोई शादी ब्याह होती है तो टेलीफोन आते हैं, कार्ड आते हैं, और वो मान सम्मान मिलता है जो एक मान सम्मान वो अपने लेवल के लोगों को देते हैं, वो मान सम्मान देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं वहाँ सप्लाई नहीं करता, आज मैं मेरे शाम की नौकरी करता हूँ, और शाम की नौकरी करने के कारण आज वो मान सम्मान मिलता है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जिसके रिश्तेदारों ने ताना मारा, लेकिन उसने ताना सहा, और जो कुछ कहना था अपने ठाकुर से कहा कि बाबा तू जाने और तेरा काम जाने। उसकी इज्जत हवा में उड़ जाए ऐसा कभी होने नहीं दिया। जवाब बाबा ने जरूर दिया है, जिसको भरोसा है वो मेरे साथ ये भजन गाकर देख लेना, हमेशा सामने खड़ा हो जाएगा। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके।
सर उठा के जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में सर उठा के किस्मत सवल गई है तेरी शरण में आके, किस्मत सवल गई के अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, अपना जीवन श्याम यूं ही बिता रहे घुट घुट के अपना जीवन यूं ही पे मोहन खुद ही लजा रहे थे, अपनी दशा पे मोहन खुद ही लजा रहे थे, अरमान सारे दिल के, अरमान सारे दिल के रखते थे हम दबा, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। अरे शुक्रिया तो करो, ताली तो बजा। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। अच्छा अब की बार खाटू जाओगे, मैं रिक्वेस्ट करूं ये दो लाइन सुनाना बाबा को, दोनों हाथों को उठाना, जिनके हाथों में दर्द नहीं उठा लो।
बस मुझको इतना कह दो तुमको अपना बना लिया, बस मुझको इतना कह दो तुमको अपना बना लिया। चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा, चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा। एहसान तेरा सदा ये रहेगा, सदा ये रहेगा, चरणों में अपने मुझको बिठा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। तानों के पत्थरों से शीशे के दिल को तोड़ा, तानों के पत्थरों से शीशे के दिल को तोड़ा। और हमने क्या किया, हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं, हमने क्या किया, इस दिल के टुकड़े लाए, इस दिल के टुकड़े लाए दर पे तेरे बचा कर, इस दिल के टुकड़े लाए दर पे तेरे बचा कर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आ। कई लोग चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, अरे पगले, दो दिन से आपके यहाँ पर नौखा में एक ब्यावर का प्रेमी और एक नापासर का प्रेमी, कल से है, कल से है, उनको चिंता नहीं है, 48 घंटे छोड़ दिए अपने कारोबार के, बजाओ तालियां बजाओ, अरे इन पर छोड़ कर तो देखो, छोड़ते नहीं हो, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन पकड़ेगा। इंसाफी है, घुटना में दर्द है इसलिए कुर्सी तो पकड़ ली थे लोग, लेकिन कुर्सी पकड़ के भी आराम से बैठ के भी थे, बोल को नहीं रहा। जो होगा
तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे हाथ उठा लेना पूरे पूरे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना किस्मत